ਅੰਬਰਸਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੇੜੀਆਂ ਪੈਦਲ ਲੈ ਕੇ ਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੋ ਪਹੀਏ ਜੁੱਟ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੇੜ ਕੇ ਤੇ ਅੰਬਰਸਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਫਰ ਸ਼ੋਜ਼ ਪਿਆ ਲੱਭਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਾਉਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ और इसके साथ ये जो रोड है आगे ये सीधा अमृतसर अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगजेब बेग एक नई वीडियो नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। ये अभी मेरे पीछे जो आप गांव देख रहे हैं ये है गाडूवाल, ये जनाब जिला और तहसील नारोवाल है, बद्दोमली के पास रैया खास एक रेलवे स्टेशन है, ये बिल्कुल उसके साथ है गाडूवाल। और ये जो रोड है ये जाता है सीधा सियालकोट और इसके साथ ये जो रोड है आगे ये सीधा अमृतसर। ये जो 1947 की पार्टीशन हुई थी तो यहाँ से बहुत सारे काफले जो सियालकोट क्लास वाला और जो दूसरे इधर गांव थे वहाँ से होते हुए यहाँ से जो है ना सीधे अमृतसर गए थे, यानी जो इंडिया वाली साइड पर गए थे। यहाँ एक चीज़ और मैं जिक्र कर दूँ कि ये कच्चा रोड था, अभी ये सड़क बन चुकी है, ये बिल्कुल कच्चा रोड था। और इससे जो आगे ना बिल्कुल आगे दरियाए रावी है, यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर दरियाए रावी है और उसके बाद इंडिया का इलाका शुरू हो जाता है। तो बेसिकली ये वीडियो बनानी है, ये गाँव गाडूवाल है, ये बिल्कुल इधर साथ ये रोड इधर जाता है गाडूवाल की तरफ। ये बड़ा पुराना मशहूर गाँव है, रिक्वेस्ट आई थी इंडिया से कि हमें जो है ना बुज़ुर्गों का गाँव देखना है, तो आज हम आए हैं इस गाँव में। ये गाडूवाल, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिख आबाद थे 1947 की पार्टीशन से पहले, और मुसलमान और सिख। जब 1947 हुई पाकिस्तान बना तो सिख यहाँ से चले गए। तो चलते हैं गाडूवाल देखते हैं और किसी बुज़ुर्ग से बात करके पूछेंगे कि थोड़ी सी हमें हिस्ट्री बताएं कि ये 1947 से पहले ये गांव कैसा था। ए जरा पिंड गाडूवाल है, इतने किन्ने को लोग सिख किन्ने घर सिखा दे सन? इतने को 30-40-50 होने हैं। ते मुसलमान? अर्ध च मुसलमान ते अर्ध सिख। ते साई? साईयां दे कोई 5-4 कर रहे हैं। ते सिखां दे जेड़े कोई सब तो ज़्यादा रख बेला कौन हुंदा सी? लावकोट जट्टी, वो दा बंदा फौत हो गया, वीरू ओहदे नां है। अच्छा, तो ओहदे कोई आर परिवार को? ओहदे नां है सी क्यांपुरां दी, ओहदा भरा आया सी धर्म सिंह ते एक ना टैला ही आन के भरा मर गए, तो वो रहे हैं कोल फेवर वास्ते 100 बिगे की मालिक कली। अच्छा, बीबी सी? हाँ। वाह जी वाह। प्यो खसम मर गया, ठीक है, तो 100 बिगे का मालिक, तो वोदे अल बालक हो जाया, फिर उन्हें अपने भरा आता भरावान इतने जाए, वो मार देने डाके तलवी आ डाकदार कि सुनिया हूँ तुर गया सब तो पहली पिंड जाटे वाली लाई कर टब्बर मगर सिंह खरास है खरास कि खरास मगर सिंह इतने खूह कि खूह इत हरिए एक सी बेली का एक सी पिंड वाला खूह खड़े किता ही 3-4 खूह सन इस लाभ को जटी का ही होर अच्छा चलो जिन्हें अच्छा हम एक भी थोड़ा दस लो कि इतने आते हैं कि पहिए गड्डिया के बंद होंगे अमृतसर तक जाते हैं अमृतसर जाते ऐसा गेड़िया पैदल लैके जुट करके दो पहिए जुट कर लैन तो उन्होंने गेड़ के अमृतसर अमृतसर वेच के पिंड अपना तो वह कौन बना सी आप बनाते हैं तो बड़े मशहूर पहिए सन बड़े गड्डिया के पहिए लकड़ उन्होंने की होंगे सन लकड़ के पहिए गड्डिया चढ़ते हैं लड़ाई झगड़ा बड़ा हुंदा सी
अच्छा अच्छा तू हाँ वेख्या एक एक डंडी आंदी एक कंगन आंदा एक घंटा आंदा एवं आखिर मोदी अच्छा मौलवी शरीफ से शफी से साजा पाँच चार चार पाँच जने इसे यहाँ वंड पा के लिया की सी एक मैंने एक मैनू तो एक घंटा लाभा कल मशीनी वालों सोने का हाँ अच्छा बारह मोती हम ते एक जड़े कंगन से आने ना काटे वो मुला ने खूह से ला के आने उसे कतल वाले आई तो उसे फिर जेवर शोज पे आ रहा मुर्दे ने गाँव लाया है अच्छा अच्छा ते बुढ़िया बंदे मरे सन ਨਿਆਣੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਬੰਦੇ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੱਕੇ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਪੱਕੇ ਘਾਟੀ ਸਨ ਕੱਚੇ ਹੀ ਸਨ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਗਾੜੂਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾੜੂਵਾਲ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਰਹੀਏ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਰਹੀ ਆ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਹਾਂ ਆਖਣਾ ਇਹਦਾ ਯਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਆਹੋ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਛਾ 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 ਖੈਖਰੀ ਆਹ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਗਈ ਇੱਥੇ ਮੌਲਵੀ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਪੱਠੇ ਆਇਆ ਇਹਦੀ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਕਲ ਬੜੀ ਅਤੇ ਅਮੈਦ ਬੜੀ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਉੱਠਿਆ ਤਲਵਾਰ ਉਹਦੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਨਾ ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਨਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਲਓ ਅਤੇ ਜਾਂ ਭੈਣ ਲੈ ਹਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਡੇ ਧੰਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਕਿੱਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾ ਅਤੇ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਅਤੇ ਹਾਂ ਰੋਡ ਸਹੀ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਤਰਖਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖਰਾਸ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਯਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਚ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੇਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹੀਏ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਸੀ ਇੱਕ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਉਹ ਗਾਈਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਸੀ ਇੱਕ ਹਰੀਆ ਉਹ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਰਵਾਲ ਦੇਖੂ ਸੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਚਨ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਨਾਂ ਚੰਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਅੱਛਾ ਬਸ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚਾਚਾ ਜੀ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਜੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰਈਆ ਖਾਸ ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗਾੜੂਵਾਲ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਰਈਆ ਖਾਸ ਆਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰਈਆ ਖਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਅਤੇ ਗਾੜੂਵਾਲ ਪਿੰਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਗਰਲਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਗਾੜੂਵਾਲ ਮਰਕਜ਼ ਰਈਆ ਖਾਸ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਗੇਟ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਗਾੜੂਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ 'ਚ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਧੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਰਖਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਯਾਨੀ ਖਾਸ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਰਖਾਨ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਪਹੀਏ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਪਹੀਏ ਨੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਂਗੇ ਦਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਪਹੀਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਪਹੀਏ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਹੀਏ ਰੇੜ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰੇੜਦਿਆਂ ਖੜਨਾ ਪਹੀਆ ਐਡਾ ਭਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖੜਨਾ ਉੱਥੋਂ ਵੇਚ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀ ਗਲੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਏ ਯਹਾਂ ਪਰ ਬਤਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਥੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਵੋ ਆਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ ਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਬਕਿ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਥਾ ਵੋ ਅਬ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਯਹਾਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ 1947 ਕੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕੇ ਬਾਅਦ
ये मस्जिद का नया हिस्सा बन रहा है, पहले मस्जिद छोटी थी, अब इसको बड़ा किया जा रहा है। और ये जो वाइट कलर है, ये मस्जिद पुरानी अपनी असली हालत में। कोशिश करते हैं कि ये भी देखते हैं अंदर जाके। ये जी अंदर से मस्जिद, ये इसका व्यू देखे कितना खूबसूरत है। और आप अपने दौर का जो शाहकार है वो आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। गाड़ूवाल गांव रैया खास के पास है ये, और ये इसकी मस्जिद। ये जनाब इसकी गलियां किसी दौर में कच्ची हुआ करती थी, जब 1947 से पहले आज पक्की हैं, घर भी पक्के बन चुके हैं। ये जनाब इसका व्यू गाँव का, जिस जिस के भी बुज़ुर्ग यहाँ से उठ के 1947 को इंडिया गए थे वो कम से कम ये वीडियो देख ले कि ये जो गांव है, ये सारा कच्चा गांव हुआ करता था लेकिन अभी पक्का बन चुका है। और ये सारा रकबा यहाँ पर ज़्यादातर सिखों का रकबा हुआ करता था। ये देखिए आप, ये जनाब रेलवे स्टेशन, उसका प्लेटफार्म, ये यहाँ पर लिखा हुआ रैया खास। और ये जनाब इसका गाड़ूवाल का स्कूल जो मैं पहले दिखा चुका हूँ, और इसके साथ बिल्कुल गांव। ये जो अभी सीन आप देख रहे हैं, ये जनाब इसलिए मैं बना रहा हूँ कि आपको पता चले कि ये स्टेशन के बिल्कुल पास गांव है। और ये इसका रास्ता, इसके 2-3 रास्ते हैं जो इस गांव को लगते हैं। ये स्टेशन वाला है, एक पहले जो सबसे पहले मैंने इंट्रो दिया था जो अमृतसर वाला रास्ता है वो, और एक इसका दूसरा तीसरा रास्ता है। और ये जनाब इसका व्यू, खूबसूरत गाँव। ये जनाब बाबा मोहम्मद यूसुफ जिनसे हमने बातचीत की है, ये माशाल्लाह काफ़ी उम्र सीधा है, 90 साल से ज़्यादा दिन की उम्र है, लेकिन आज भी जो है ना ये अपने काम खुद करते हैं, ज़िम्मेदारा करते हैं। बकरियां हैं इनके, और इनकी हवेली में दूसरे जानवर हैं, और ये जानवरों के लिए चारा काट के रेड़ी के ऊपर जो है ना वो रख रहे हैं ताकि अपना काम खुद किया जा सके। हालाँकि इनके जो फैमिली मेम्बर हैं वो भी साथ होते हैं, लेकिन ये खुद भी काम करते हैं। ये थी आज की वीडियो, औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।